प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम कौन सी जगह से हैं। दोस्तों हम उत्तराखंड से हैं और उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से हम लोग हैं, जहां पर मुश्किल से कुछ ही घर हैं। और इस समय हम कई समय बाद अपने गांव में आए हैं, और किसी काम से हम अपने गांव में आए थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी हम अपना गाँव दिखाएँ, ताकि आप लोग हमें और अच्छे से जान सकें। मेरे प्रियो, हमारा एक छोटा सा गाँव है जहाँ पर मुश्किल से 5-7 परिवार हैं, और यहाँ से परमेश्वर ने हमको चुना अपनी सेवा के लिए। परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, भजन संहिता 113 और उसके 7 पद में इस प्रकार से लिखा है, वह कंगालों को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर में से उठाकर ऊंचा करता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन भजनकार दाऊद इस प्रकार से कहते हैं, परमेश्वर कंगाल को मिट्टी पर से उठाता है और दरिद्र को घूरे में से उठाता है और उसे ऊंचे पर नियुक्त करता है। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवनों में भी किया। हम छोटे से गांव के रहने वाले हैं और कुछ ही लोग हमारे गाँव में हैं, और हम लोग भी बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, परंतु जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, तो प्रभु यीशु मसीह ने हमको उस दरिद्रता से, उस कंगाली से बाहर निकाल दिया, और उस सब बातों से उसने हमें छुटकारा दिया, और आज हमें ऊंचे पर नियुक्त किया, उसने हमें अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया, और उसकी दया और उसके अनुग्रह से अब हमारे जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं है। मेरे प्रियो, पहले हम इस गाँव में रहा करते थे, परंतु आज हम यहाँ नहीं रहते हैं। परमेश्वर ने हमें दूसरी जगह जाने का मौका दिया, परमेश्वर हमें यहाँ से दूसरी जगह लेके गए, और वहाँ पर परमेश्वर ने हमें अपने काम को करने के लिए इस्तेमाल किया, और हमें ये अवसर दिया कि हम उसकी सेवा को कर सकें। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें बहुतायत से आशीषित किया इस छोटे से गाँव से। इसी प्रकार से मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, हो सकता है आप भी एक छोटे परिवार से, एक छोटे से गांव से निकले हों, परंतु यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हमें ब्लेस किया, उसी प्रकार से परमेश्वर आपको भी बहुतायत से आशीषित करेगा। हमेशा आप उस छोटे से गाँव में, हमेशा आप उस गरीब परिवार में नहीं रहोगे, परमेश्वर आपको वहां से उठाएगा और आपको ऊंचे पर नियुक्त करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है, हमें बहुतायत से आशीषित करता है इस जीवन में भी और आने वाले जीवन में भी, वो हमें बहुतायत से आशीषित करता है। सच में हमारा परमेश्वर बहुत ही भला है, उसने जैसे हमारे जीवनों में काम किया, परमेश्वर आपके जीवनों में भी करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको भी घूरे में से उठाकर आपको सिरोमणि बनाना चाहते हैं, आपके मस्तक को ऊंचा करना चाहते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने छोटे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता कि छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस बैकग्राउंड से मैटर करते हैं, पर फ़र्क ये पड़ता है यदि आपका विश्वास उस जीवित परमेश्वर पर है, तो वह आपके मस्तक को ऊंचा करेगा और वो आपको सिद्धताई की ओर बढ़ाएगा, वो आपको प्रतिष्ठित करेगा, जैसे कि याबेस को परमेश्वर ने प्रतिष्ठित किया, ऐसे ही परमेश्वर आपको भी प्रतिष्ठित करेंगे। हम लोगों को प्रभु ने उठाया, हम लोगों को प्रभु ने चुना इस छोटे से गांव से, और आज परमेश्वर ने हमें ऊंचे पर नियुक्त किया है। ऐसे परमेश्वर आपके साथ भी करना चाहते हैं। प्रभु बहुत ही भले हैं, आप अपना जीवन परमेश्वर को दें, उस पर विश्वास करें, क्योंकि वही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। हमने कभी नहीं सोचा था कि यीशु मसीह हमें दुनिया के लोगों के लिए इस्तेमाल करेगा, या फिर देश देश में लोग हमारे प्रचार को, या फिर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। हमने कभी नहीं सोचा था। हम केवल एक बात जानते थे कि हमें विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, और जो कोई उसके पीछे चलता है, प्रभु उसे इस्तेमाल करता है, उसे ऊँचे पर उठाता है और उसे बहुतायत से आशीषित करता है। तो इसलिए परमेश्वर ने हमें भी बहुतायत से आशीषित किया, और हमें आज पूरी दुनिया में प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं। सारी आदर और महिमा हम प्रभु को देते हैं। यह हमारे ज्ञान बुद्धि समझ से, हमारे टैलेंट से नहीं हुआ है, यह केवल उसकी दया और उसके अनुग्रह से हमारे जीवन में हुआ है।
परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह इन लोगों पर भी हो जहां तक परमेश्वर हमारे खुदावन यीशु का नाम अभी तक नहीं पहुंचा है। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वो भी परमेश्वर के सुसमाचार को सुने, वो लोग भी परमेश्वर को जाने और परमेश्वर के लोग उन तक पहुंच सकें और परमेश्वर का समाचार, परमेश्वर की वो गुड न्यूज़ वो सुन सकें। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड फादर, विशेषकर प्रभु जी यहाँ पर पहाड़ के लोगों के लिए मेरे परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु, जबकि परमेश्वर पिता इन लोगों तक प्रभु तेरा सुसमाचार नहीं पहुँचा है, परमेश्वर हम सब प्रभु जी जितने भी भाई बहन प्रभु मेरे साथ प्रभु इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, प्रभु इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, प्रभु हम सब एक मन होकर इन पहाड़ के लोगों के लिए प्रार्थना करते लॉर्ड फादर कि आप परमेश्वर प्रभु आपके लोग वहाँ तक पहुँचे प्रभु और तेरे सुसमाचार को मेरे खुदावन इन लोगों तक पहुंचाएं, तेरे उद्धार के कामों को प्रभु उन तक पहुंचाएं परमेश्वर पिता। हालेलुया, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता ये मौका आपने दिया प्रभु कि हम प्रार्थना कर सके, धन्यवाद करते परमेश्वर कि आपने प्रभु रास्ते बना दिए हैं, आपने प्रभु योजनाएं बना दी हैं, आपने कहा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड फादर इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं।